गुरु जी मेरे मेरे में बसे हुए हैं, तो गुरु जी तुम्हें बुरे रास्ते पे नहीं जाने देंगे, तुम्हें ऐसे रास्ते पे ले जाएंगे जहां वो सिद्धाश्रम का रास्ता है जो उनकी इच्छा है, तुम्हें देवता बनाएंगे जरूर, तुम्हें पुकारेंगे जरूर। तो उस देवता को अपने अंदर उतारने की क्रिया कैसे क्रिया है? तो गुरु जी ने कहा था कि तुम्हारे शरीर में 72 नाड़ियां हैं और सब लोग स्त्री यंत्र को कहते हैं कि वो कोई ललिता त्रिपुरसुंदरी या षोड़शी त्रिपुरसुंदरी का स्त्री यंत्र है। नहीं, तुम्हारे शरीर में त्रिपुर है। त्रिपुर है क्या है? अहंकार, बुद्धि और चित्त, ये कभी भी तुम्हें मलिन करने वाले हैं। इस त्रिपुरों को सुंदर बनाने की क्रिया केवल गुरु जानता है, और उसकी संयंत्र की पूजा करने वाले ये तीनों को भी, जिसका अहंकार खत्म हो जाए, जिसकी बुद्धि अच्छी तरीके से काम करे, जिसका मन शुद्ध हो, ये तीनों हो तो गुरु उसके शरीर में निवास करते हैं। इसके लिए उस 72 नाड़ियों की शुद्धि करने के लिए श्री यंत्र की स्थापना की है, और गुरु को अंदर उतारने के लिए गुरु यंत्र की निखिल स्नान की यंत्र की स्थापना की है। यह एक छोटी सी साधना, बहुत छोटा सा मंत्र है। गुरु जी ने कहा था जब तक तुम तुम्हारे में निखिल स्नान जी को उतारोगे नहीं, तब तक तुम उस श्रेष्ठता को, उस भगवत तत्व को, उस देवता तत्व को प्राप्त करोगे नहीं। यह साधना मुझे पता है गुरु जी ने एक बार जोधपुर में करवाई थी, और जोधपुर में करवाई थी उस शिविर में मैं भी था। उस साधना के बाद शायद गुरु जी ने कभी ये साधना दी या नहीं, नहीं नहीं दी पता नहीं, लेकिन इसे भगवती राजराजेश्वरी गुरु उत्तर साधना कहा गया, जिसमें स्वामी निखिलेश्वरानंद जी अपने शरीर में उतर कर आपकी रक्षा करते हैं। यह साधना मैंने संपन्न की थी, और उसके बाद आज ये मैं नहीं कहता कि मेरे से भी गलतियां होती है, लेकिन एक ही बात कहता हूँ, गुरु जी आप मेरे शरीर में समाए थे, मेरे से जो कार्य हो रहा है वो आप करवा रहे हैं, पाप पुण्य मैं ही नहीं जानता, आप मेरे शरीर में हैं और आप कार्य करवा रहे हैं। आज भी आपको कहता हूँ, आज अगर ये आश्रम बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हुए हैं, तो कभी नहीं कहता कि आप लोगों को ये पंडाल डाला हूं, मैं डाला हूं। आप कभी यहां अगर नहीं देखते कि इसका संचालक निखिल चेतना केंद्र का अनिल कुमार जोशी नाम कहीं दिखे, देखे कहीं ओनर के नाम पे, आप कहीं देखने ही देखना नहीं चाहिए। ये बात अलग है, मेरे भी कोई चाहने वाले हैं, मेरे भी कोई प्रिय हैं, जैसे हमारे दत्तात्रेय हैं, शिवा है, ये सब लोग, वो लोग मेरा फोटो, मेरा नाम सब डालना चाहते हैं बात, लेकिन मैं नहीं कहता कि तुम मेरा नाम डालो किसी में भी, मैं नहीं चाहता। ये सब गुरु जी का है और गुरु जी के नाम से ही रहें, और आज ये गुरु जी की अगर प्रॉपर्टी है तो बढ़ती रहेगी, अनिल कुमार जोशी रहे तो घटती रहेगी, क्योंकि वो उतना शुद्ध नहीं है। और जिसमें अगर गुरु जी उसके शरीर में उतर जाए, उसके शरीर के साथ रहे, तो हम 10 आश्रम ऐसे बांधेंगे, 20 आश्रम बांधेंगे, हम उस पवित्रता को लेकर चलेंगे जिसे गुरु को अपने शरीर में स्थापना कर लिया, गुरु को अपने शरीर में उतारा जाए। एक बार गुरु शरीर में उतर गए, शरीर में अपने आ गए, तो ये समझ लेना कि हम किसी कार्य के, किसी कर्म के बाध्य नहीं है। जो भी कर्म होता है वो गुरु जी देखते हैं, और हम कभी गुरु से छूटेंगे नहीं। अगर गुरु अपने शरीर में उतर जाए, गुरु अपने शरीर में रह जाए, गुरु अपने शरीर में भाग ले, तो हम कहीं 7 जन्मों भी हैं, कहीं भी रहे, गुरु जी कहा करते थे मैं 25 जन्मों से साक्षी रहा हूं, और तुम किसी जन्म में कहीं भी जाते हो तो तुम्हें उंगली पकड़ कर लाता हूं, और तुम हर बार ये कहते हो, भागते हो कि गुरु जी मेरी बिल्डिंग गिर जा रही है, मेरी बीवी बीमार है, मेरा बेटा गुरु जी बहुत तंग हो गया है, मैं बीमार हूँ गुरु जी, अभी गुरु मंत्र जब नहीं कर सकता, और मैं हर बार आता हूँ तुम मेरी उंगली छोड़कर भाग जाते हो। 25 जन्मों से साक्षी हूँ, अब यह काम अगर 25 जन्मों से गुरु जी तुम्हें बुला रहे हैं तो ये किसकी क्रिया है? वैसे तो देखा था 100 करोड़ लोग भारत देश में है, और कितने की करोड़ लोग हैं, लेकिन इतने लोगों को ही क्यों गुरु जी के, गुरु जी चादर पहन कर गुरु मंत्र जप करते हैं? तो हम असंपूर्ण ना बने, हमारे में असंपूर्णता ना हो, और उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए गुरु को हमारे शरीर में उतारना और हर कर्म गुरु को सौंपना, ये श्रेष्ठ तत्व है। और उसकी इस पूर्णता को प्राप्ति के लिए वह जो साधना गुरु जी ने मुझे करवाई थी, वही साधना मैं आज आपसे करवाने जा रहा हूँ, जिसे राजराजेश्वरी भक्ति निखिलेश्वरानंद साधना कहा जाता है, जो अपने शरीर में उतारने की क्रिया है। इससे पहले कि उस साधना आपको प्रदान करूं, आज गुरु पूर्णिमा के दिन पहले गुरु मंत्र की दीक्षा देता हूं, बाद में उस साधना को आपको संपन्न करेंगे। पहले गुरु वृक्ष, जो नए पुराने जो भी लोग हैं, गुरु दीक्षा दे रहा हूं, आप सब लोग बैठ जाएं और गुरु दीक्षा ले लें। सभी लोग मैं जैसा कहता हूं वैसा ही मेरे साथ कहें, मैं गुरु दीक्षा प्रदान कर रहा हूं। बोलो, स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरुम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप आपका बायां हाथ हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पे रखो। मैं गुरु मंत्र बोल रहा हूँ, बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। मैं ये चाहता हूँ कि यह शरीर रूपी अपना पात्र उतना श्रेष्ठ हो कि इसमें गंदा पानी है तो कोई इसे छुएगा छुएगा भी नहीं, गंदा पानी है तो इसको मिलेगा भी नहीं। अगर उसमें दूध हो, अच्छा सा अमृत रूपी जल हो, तो सब लोग उस पात्र को छुएंगे और उस पात्र को लेने की प्रक्रिया करेंगे। उसी प्रकार हमारे शरीर रूपी पात्र में अगर गुरु स्थापित हो गए तो सब लोग अपने को चाहेंगे, अपनी पत्नी बच्चे दोस्त समाज सभी लोग अपने चाहेंगे। तो इस पात्र को गुरुमय बनाने की क्रिया, जो गुरु की स्थापना की क्रिया है, उस क्रिया को मैं आज आपको करवा रहा हूँ। जो भी साधक ये साधना को लेगा, मैं कहता हूँ आने वाले पीढ़ी में, आज मेरा शब्द याद रखो, जिसने भी ये साधना की आने वाले पीढ़ी में आपके पीछे भी हजारों लोग घूमेंगे, क्योंकि तुम्हारे शरीर में गुरु स्थापित है और तुम्हारे पीछे देवता भी आएंगे तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए। आज भी कभी कभी मेरे भाई है, शिवा है, मेरा बेटा, आजकल मेरा बेटा भी यहाँ सब ये सारी खर्चा देख रहा है, काम देख रहा है, तो कभी भी ये चिंतित रहता है कि बाबा वो काम बोले हैं पैसे नहीं है, बाबा वो काम बोले, और वो देखते रहता है कि जैसा ही उसने पैसे नहीं कहा पैसे आ जाते हैं। अरे उन्होंने कहा ये क्या प्रक्रिया है, सभी लोग शिवा भी बोलता है बेटे खड़े अन्ना इनपुट रही पेट लगा वाला उसमें अंत खर्चा इतने इन तक खर्चा इतने, तू कच्चे की चिंता मत कर, काम है, देखने वाला आगे किसे काम कर रहा है। तो लक्ष्मी मेरे आंगन, गुरु जी ने जैसा कहा था उनके आंगन में नाचे तो मेरे आंगन में नाचेगी, नाचेगी जरूर। आप विचित्र विचित्रता से करेंगे। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मेरे अनिल हो, ये सब मेरे आश्रम के आश्रमवासी, गर्व के साथ कहता हूँ कि उन्होंने केवल 15 दिन में उतने सारे 5 रूम के साथ पूर्ण आपको बैठने की क्रिया की। आज मैं कोई विजय दूसरी जाति का होने के बाद भी निजाम की तारीफ करता हूँ, एक शिष्य के भांति उसने काम करते हुए उसका काम किया है। मैं उनको और मेरे आश्रम के आश्रमवासियों को प्रशंसा के साथ कहता हूँ कि उन्होंने जो कार्य करके दिखाया वो श्रेष्ठता है। आज आपको कहूं कि हमारे पास पार्थ है, रवि भैया, ये सब साधक है। पार्थ तो ये जो काम कर रहा है वो काम पूर्ण ना हो इसके लिए खाना नहीं छोड़ दिया, जब तक काम नहीं होगा पूर्ण नहीं करेगा। इससे बड़े अच्छे शिष्य के लिए और क्या चाहिए, मेरे लिए तो वही देवता है जो मेरे लिए काम करने के लिए अपनी तड़प रखता है, अपने में तड़प रखता है कि गुरु का कार्य हो। ऐसे शिष्य मिलना भी गुरु के लिए भाग्य की बात होती है और मैं उन सभी को पूर्ण मनुष्य हूं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन, जो मेरे कार्य किए हैं श्रीरंग हो, आज मुझे कल एक बात बहुत अच्छी लगी, आज जो तुम्हारा रायप्रोलू शर्मा जो किचन में आप खड़े रहे थे सुबह चाय वगैरह दे रहे, उनको सिर्फ मैंने इतना कहा था कि तुम्हें किसी को भी एक भी बिना पैसा दिए हुए चाय सुबह 4:30 से, बेहतर ठंडी के दिन है, बारिश हो रही है, 4:30 से बजे से चाय देना है और उनको टिफिन इतने बजे टाइम देना है, इतने बजे भोजन देना है, किसी को कमी ना पड़े। वो कल मेरे पास 6 बजे आया, आकर कहा कि प्रभु मैंने टिफिन का काम 8 बजे 10 बजे तक रखा था, जबकि उसने 6 बजे का आकर कहा गुरु जी आज चाय भी दे दिया, टिफिन भी रेडी है, टिफिन भी सब लोग कर रहे हैं, अरे 6 बजे टिफिन दे रहा है। तो उसने कहा प्रभु मैं क्या कहूँ, कल जो भूम से अगले सब शिष्य आए थे, चलते हुए आए थे, बहुत थक गए थे और भूख के कारण कल रात में बिना खाए ही सो गए, इसलिए मैंने सुबह 6 बजे ही टिफिन आरम्भ कर दिया। मेरे आंखों में आंसू आ गए, शिष्य हो तो ऐसा, मेरे उस गुणों को जाने और उसने 6 बजे सबको खाना दिया, तो मैंने कहा सच्चा शिष्य तू है, तूने मेरे उन भाइयों को, तुम सभी में भी मैं गुरु को देखता हूँ, किसी प्रकार की कमी तुम्हारे में ना पड़े, यह मेरा हर बार चिंता रहता है कि यहाँ आकर
इस आश्रम में चेतना केंद्र में आने के बाद आप ये अनुभव ना करें कि आपको ये कवि पढ़िए। बहुत प्रयत्न करता हूँ, फिर भी अगर बारिश में भीगते हैं तो मेरा प्रयत्न और भी जारी रहेगा, अगले बार और भी इसको बढ़ाऊंगा। शिष्य बढ़ रहे हैं तो काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा और ये काम करूंगा, लेकिन आपको भूखा सोने दूं तो मैं गुरु नहीं हूं। यही नहीं कि कहीं भी आपके दुखों में अगर मैं भाग ना लूं तो मैं गुरु कहने के या शिष्य कहने के लायक नहीं हूं। आपके हर चिंतन में मैं खड़ा हूं। एक बात जरूर है, देर है पर मेरे पास अंधेर नहीं। आपके हर काम को मैं जरूर करूंगा और जरूर इसको पूर्णता की तरफ ले जाऊंगा। आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन वही पूर्णता प्राप्त करी जिस पूर्णता के लिए मैं जीवन में जिया हूं, उसी पूर्णता का वो साधना जो गुरु जी देते देते हमें रह गए और हम कुछ शिष्य उस दिन उपस्थित थे और आज वो सब भी गुरु बनकर गुरु कार्य कर रहे हैं। मैं भी आपको चाहता हूं कि वही साधना आप में कितने भी रोग की कितने भी बीमार हो, बहुत साल से बीमार है, आपकी बीमारी कम नहीं हो रही हो, तो आप आपके शरीर में गुरु को समाहित कर लो, सारी दवाइयां काम करने लगेगी, तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, पहले बीमारियां चली जाएगी, बाद में तुम्हारे सामने शत्रु टिक नहीं सकेगा। नंबर दो, नंबर तीन, कोई ग्रह तुम्हारे पर प्रभाव नहीं जमाएगा, दरिद्रता तुम्हारे पास नहीं आएगी। इतना नहीं कहता कि तुम करोड़पति बनोगे, ये तो बात नहीं कहता, लेकिन तुम पैसों के लिए कभी तंग नहीं होगे ना भूख के लिए तंग होगे। तुम्हारे घर में पति पत्नी का कभी झगड़ा नहीं होगा, वो प्रेम, वो समाज तुम्हारे से प्रेम करेगा अगर गुरु तुम्हारे शरीर में उतर गए हैं। तो मैं आज वो गुरु को उतारने की भगवती राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद साधना प्रयोग आपको दे रहा हूं। बहुत छोटा सा मंत्र है और इस साधना को करें, आप प्रसन्न हो, आपकी इच्छा पूर्ण हो। 15 मिनट का समय देता हूं गुरु के बाद, ये भी सुन लो, ये साधना का केवल 5 माला करने के बाद आज का गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम में गुरु जन्मोत्सव मनाएंगे। अब थोड़े हमारे वाक्सर मेरा पीछा नहीं छोड़ते, वो कहते हैं कि गुरु जी तुलाभार करना ही है। अब हमारे प्रवीण हैं, बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने तुलाभार करने की बात कही है, ये एक परंपरा लग गई है। दूसरे शिविरों में पूछा जाता है कि जोशी ने तुलाभार नाम का एक चीज क्या नया नया लाया है। मैंने कहा तुलाभार मेरा भार कर रहे हैं और मेरा भार उतार रहे हैं, या मेरा भार बढ़ा रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन तुलाभार तो जरूर कर रहे हैं। तो उनके उस तुलाभार का कार्यक्रम साधना के बाद होगा, उसके बाद केक कटेगा, क्योंकि मुझे भी पता है तीनों दिन भी आज ये वर्किंग डेज थे, नौकरी को जाने वाले या कोई काम पर जाने वाले उनको छुट्टियां नहीं है। फिर भी प्रयत्न करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम को करूं और इस साधना को संभव। आज की यह गुरु को शरीर में उतारने वाली यह साधना, गुरु में शरीर को स्थापना करने वाली साधना, आपको 15 मिनट के लिए समय दे रहा हूं, आप उस साधना को लेकर यहां आए। आशीर्वाद।